हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम्स। एनिमल किंगडम्स को किस किस ग्रुप में डिवाइड किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ डिवाइडेड इनटू सब टू डिवीजन्स, दैट इज फर्स्ट इज प्रोटोजोआ एंड सेकंड वन इज मेटाजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर जो एनिमल्स आते हैं, दैट इज़ यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक। एग्जाम्पल्स का प्रोटोजोआ एंड सेकेंड वन इज मेटाजोआ, दैट इज मल्टी सेलुलर माइक्रोस्कोपिक टू लार्ज एनिमल्स इसमें पाए जाएंगे। एंड मेटाजोआ फर्दर डिवाइडेड इन टू थ्री ब्रांचेस, दैट इज फर्स्ट इज मीसोजोआ, पैराजोआ एंड एंटेरोजोआ। सो दीज आर ऑल मल्टी सेलुलर। सो पहली बात करेंगे हम मीसोजोआ की। सो दीज आर सीलिएटेड बट डाइजेस्टिव सेल्स आर फ्यू एंड डाइजेशन इज एक्सटर्नल, सो नो डाइजेस्टिव कैविटी प्रेजेंट इन दिस ग्रुप। एग्जाम्पल मीसोजोआ। सेकेंड आते हैं पैराजोआ पे, इनमें डाइजेस्टिव सेल्स बहुत सारे मिलेंगे और इनका जो डाइजेशन होता है वो इंटरनल होगा, बट नो डाइजेस्टिव कैविटी। एग्जाम्पल फाइलम पोरीफेरा लाइक स्पॉन्जेस। एंड थर्ड इज एंटेरोजोआ एंड दीज आर फर्स्ट ट्रू मेटाजोआ बिकॉज डाइजेस्टिव सेल्स आर सो मैनी एंड दैट इज इंटरनल एंड डाइजेस्टिव कैविटी इज प्रेजेंट। दीज एनिमल्स आर फर्स्ट एनिमल विद डाइजेस्टिव कैविटी। फर्दर आते हैं, एंटेरोजोआ को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज रेडिएटा एंड सेकेंड वन इज बायलेटरल। रेडिएट इज मोर ऑर लेस इन रेडियल सिमेट्री एंड bilateral is that is bilateral in symmetry। रेडिएटर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा का और भी हम क्या बोलते हैं, नाइडेरिया। और इनकी जो बॉडी कैविटी होती है वो होती है सिलेंट्रॉन, इन विच नाइडोब्लास्ट या फिर नेमेटोब्लास्ट और स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और नेमेटोसिस्ट भी हम इनको कहते हैं। इन सेल्स की, स्टिंगिंग सेल्स की प्रॉपर्टी होती है विच हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म टू कैच प्रे, या फिर ऑल्सो इन सेल्फ प्रोटेक्शन लाइक इन हाइड्रा। एंड सेकेंड आते हैं टीनोफोरा पे, इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनको मतलब कॉम जेलीज, सी वॉलनट्स। और इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दिट इज बायोल्यूमिनेसेंस। ये बायोल्यूमिनेसेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट, ये लाइट को इमिट, अपनी बॉडी से लाइट इमिट करते हैं उनको एग्जाम। बट इन दिस ग्रुप स्टिंगिंग सेल्स इज एबसेंट। एग्जाम्पल हम देखते हैं प्लीरोब्रैकिया, टीनोप्लेना एंड वीरो। इसको हम याद रख सकते हैं पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से एज एग्जाम्पल याद कर सकते हैं प्लीरोब्रैकिया, टीनोप्लेना, वीरो, पीसीबी। अब आते हैं बायलेटरल पे। बायलेटरल के पहला पार्ट है एसीलोमेट। एसीलोम मतलब एबसेंट, दैट इज सीलोम इज एबसेंट लाइक इन प्लेटीहेलमिंथेस। एंड सीलोम क्या होता है, इट इज़ अ फ्लूड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी और एलिमेंट्री कैनाल के जो बीच में जो फ्लूड भरा रहता है उसको बोलते हैं सीलोम। बट इन दिस ग्रुप सीलोम इज एबसेंट, सो इनको हम बोलते हैं ए सीलोमेट लाइक प्लेटी हेलमेंथिस, फ्लैट वॉर्म्स एंड टेप वॉर्म्स। नेक्स्ट आते हैं सीडो सीलोमेट पे। सीडो मतलब फॉल्स, दैट इज फॉल्स सीलोम। इन दिस ग्रुप एसलमेंथिस और नेमेटोड इज प्रेजेंट लाइक एस्केरेसिस। एंड लास्ट वन इज यू सीलोमेट, इट इज द फर्स्ट ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट इन दिस ग्रुप। जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं, दैट इज फर्स्ट एनिलीडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड लास्ट वन इज कॉडेटा। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, दैट इज इन इकाइनोडर्मेटा, इन एकाइड्रोमेटर में जो लार्वल स्टेज होती है उसकी होती है बायलेटरल सिमेट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड एडल्ट में इनकी होती है रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको इंडिविजुअल फर्दर एक एक करके देखेंगे, रेडिएटा को, सिलेंट्रेटा को, टीनोफोरा को, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट, यूसिलोमेट के जितने भी सारे मेंबर्स हैं उनको हम इंडिविजुअली नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। सो गाइज, थैंक यू।